प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आज मैं क्लास टेंथ का वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, साइंस का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 का। तो आइए आज बोर्ड एग्जाम 2024 के टारगेट 480 है मेरा। तो प्यारे बच्चों अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 15 नंबर तो पक्का है। और यहाँ पे हम लोग 10 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न? 10 वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो आइए यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एक है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। आंसर देखिए, मानव नेत्र में उत्पन्न वैसा दोष जिसके कारण किसी भी वस्तु का मानव नेत्र के द्वारा अस्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। तो ये दृष्टि दोष का परिभाषा हो गया। और दृष्टि दोष चार प्रकार के होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? चार प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष और अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस के द्वारा दूर करते हैं। दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा, जरा दूरदर्शिता को फोकस लेंस, और अबिंदुकता जो होता है वो बेलनाकार लेंस से दूर किया जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूचक किसे कहते हैं? आंसर, सूचक वैसा पदार्थ है जो अपना रंग या गंध परिवर्तन के द्वारा अम्लीय या क्षारीय होने का गुण दर्शाता है, उसे सूचक कहते हैं। सूचक वैसा पदार्थ है जो अपना रंग या गंध परिवर्तन के द्वारा अम्लीय और क्षारीय होने का गुण को दर्शाता है, उसे सूचक कहते हैं। अगला प्रश्न आइए तीन नंबर, मुकुलन किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए आंसर, अलैंगिक जनन की वैसे विधि जिसमें जनकों के शरीर से कालिका निकलती है, उसे मुकुलन कहते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन होती है। तो ये भी बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न है जी। आइए अगला प्रश्न फिजिक्स का बड़ा अच्छा है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखें। आइए आंसर, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रश्न संख्या पांच, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। आंसर, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखिए, एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया के, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। C+O2, ये दो गो अभिकारक है। और हम लोग अभिकारक से जब बनता है क्या चीज़ी? प्रतिफल। अभिकारक से बनता है प्रतिफल। तो C+O2 हो गया, ये पूरा हो गया अभिकारक, नया पदार्थ बनता है प्रतिफल, यही कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। लाल रक्त कोशिका के वर्णन करें। तो आइए लाल रक्त कोशिका के वर्णन करें। RBC केंद्रक रहित लगभग गोलाकार कोशिका है जिसमें हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है। जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देते हैं, जो शरीर में उपस्थित विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन करता है। अगला प्रश्न देखिए, दृष्टधारा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। दृष्टधारा किसको कहते हैं? दृष्टधारा किसे कहते हैं? आंसर, वैसे विद्युत धारा जो समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं करता है, उसे दृष्टधारा कहते हैं। डायरेक्ट करेंट जो समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं करता, उसे दृष्टधारा कहते हैं। 7 का राइट आंसर। अगला प्रश्न आइए, व्यंजक चूर्ण का 3 उपयोग लिखें। आंसर देखिए, कपड़ा सफाई करने में,
जल को शुद्ध करने में क्लोरोफॉर्म के रूप में। 9 नंबर, परपोषण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर करता है उसे परपोषण कहते हैं, जैसे अमरबेल का पौधा। 10 नंबर प्रश्न, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। आंसर, मानव नेत्र की वैसी क्षमता, मानव नेत्र की वैसी क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल बदल कर अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, ऐसी क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो तक पूरे देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को सभी क्लास टेंथ के सब्जेक्टिव प्रश्नों का VBI इंपोर्टेंट प्रश्न आपको करवा दिया गया है, वीडियो को देख लीजिएगा। और आपको शाम 7 बजे लाइव क्लास डेली चलता है, शाम 7 बजे लाइव क्लास डेली चलता है ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव में रिकॉर्ड वीडियो।